खाद की दुकान के बाहर किसान कतार लगाकर खड़े हुए हैं। कुछ महिला किसान भी अपने बच्चों के साथ खाद की दुकान के बाहर बैठी हुई हैं। सुबह सवेरे ही गांव से आकर किसान खाद लेने के लिए कतारों में लग जाते हैं और अपनी बारी आने का इंतजार करते हैं, लेकिन सरकार इन किसानों को पर्याप्त मात्रा में खाद भी उपलब्ध नहीं करवा पा रही है। हम आपको किसानों की उस सबसे अहम परेशानी के बारे में बताने जा रहे हैं जिस परेशानी से किसान इन दिनों दो चार हो रहे हैं। ये नज़ारा ग्वालियर चंबल अंचल के हैं जो आपको हम दिखाने जा रहे हैं, जहां खाद के लिए अन्नदाता किस कदर परेशान घूम रहा है। इस पहली तस्वीर को देखिए, ये तस्वीर ग्वालियर शहर की है। ग्वालियर के ग्रामीण अंचल के किसान सुबह सवेरे अपना सारा खेती किसानी का काम छोड़कर खाद लेने के लिए लाइन लगाकर खड़े हुए हैं और अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। जब इन किसानों से बात की गई तो किसानों ने अपना दर्द बयां करते हुए बताया कि उनको पर्याप्त मात्रा में खाद नहीं मिल पा रही है। खाद लेने के लिए पर खाद मिल नहीं रही, कल भी आए थे आज भी परेशान है, दो दिन हो गए आते आते अभी तक खाद नहीं मिला है। क्या कह रहे हैं ये बोल रहे हैं कि अभी खाद कम है, पांच कट्टे मिल रहे हैं, पांच से क्या होगा, कट्टे की तो जरूरत है किसान को भी थी, पांच कट्टे दे रहे हैं, पांच से क्या काम चल जाएगा किसान का। कुशावली से आए साहब, अस्तनापुर के पास है, 40 किलोमीटर दूर से आए खाद के लिए आए हैं सर। सवेरे 5 बजे के निकले यहाँ घर से, खाद नहीं मिल रहा बिल्कुल भी, खाद है ही नहीं है। हंगामा कुछ नहीं है, पुलिस तो जो किसान ने डांट भी अज हंगामा नहीं करे तो ओपन नहीं हुए। हाँ खाद बिल्कुल भी नहीं है, दो कट्टे पांच कट्टे बस, जरूरत है 25-30 कट्टे की। अब इस दूसरी तस्वीर को भी देख लीजिए, यहाँ खाद वितरण केंद्र पर ही ताला लटका हुआ है। यहाँ किसान खाद पाने की खातिर आते जरूर हैं, लेकिन इस ताले को देखकर मायूस होकर वापस लौट जाते हैं। ये तस्वीर भिंड जिले की है। भिंड शहर में स्थित इस खाद वितरण केंद्र पर लटका हुआ ताला अन्नदाता को मुंह चढ़ाता नजर आ रहा है। किसानों ने अपनी पीड़ा बताते हुए कहा कि वे खाद पाने की लालसा में यहाँ तक आते हैं, लेकिन खाद वितरण केंद्र पर लटका हुआ ताला देखकर वे परेशान हो जाते हैं और कहीं से खाद का जुगाड़ भी नहीं हो पा रहा है। ऐसे में भला किसान करें भी तो क्या करें। आए पूरा ढूंढना से। अच्छा अच्छा, क्या लेने क्या लेने आए? खाद के लिए आए थे। क्या बंद है गोदाम, बस कितने दिन से चक्कर काट रहे हैं? 25 किलो है? एक दिन और आए थे, आज आए दो दिन। तो क्या पहले आए थे तो क्या स्थिति थी? पहले यार भीड़ लगी थी, हम देख के पहले लौट गए थे। और आज क्या स्थिति है? आज बंद है। बंद है तो क्या परेशानी आ रही है? आपको खाद क्यों नहीं मिलता? नहीं यार मिला ही नहीं रहा कोई। अच्छा वो मिले तो बताओ यार। मरे क्या परेशानी आ रही है? आप कितने दिन से चक्कर काट रहे हैं, खाद क्यों नहीं मिल पा रहा है आपको? खाद नहीं मिल रहा, खाद के लिए कल भी आए थे, कल भी गोदाम बंद था, आज भी आए आज भी बंद है। कितने दिन से चक्कर काट रहे हैं आप? दो दिन हो गए। तो क्या दिक्कत आ रही है, क्यों नहीं गोदाम खोला जा रहा है, आप पता लगाया आपने? अब ये तो हमें नहीं पता। अच्छा तो क्या अगर खाद अगर आपके फसल को समय पर नहीं मिला तो क्या हो सकता है, खराब हो सकती है क्या फसल? फिर फसल कैसे बोएंगे बिना खाद के? कितनी बोरियाँ दे रहे हैं यहाँ पे वैसे? अभी हमें ये भी नहीं जानकारी। अच्छा कितनी दूर से आए हैं आप? हम आए 5 किलोमीटर दूर से। अच्छा तीन दिन से लगातार आ रहे हैं? तीन दिन से आ रहे हैं। खाद नहीं मिल रहा है? नहीं मिल रहा। बताओ दादा आप खाद लेने आए हैं? खाद ले भी आए थे। कितनी दूर से लगे रहे लेने में? पर जाद रहे नहीं ना। लाइन में लगे थे आप? लगे थे कौन फिर बांधने भाबर होगा बोलो फिर नहीं नंबर आए पास चले अपने की खेती है ना बखास बाप ना ही कर दे। क्या कह रहे हैं? बोले बाप खाते ही नहीं है। अच्छा बता रहे थे तो ना फीजे लास्ट टाइम आते नंबर आओ नहीं फीजे लास्ट टाइम आते हैं मैंने अब खा कर दोनों बात दी है वहाँ आ जाए तो हमने की। तो अभी आप यहाँ पर गोदाम में आए हैं, क्या देखा आपने?
नहीं देखा कब कुछ नहीं, मैं हमने लान लगी हो अगर नंबर आते तो हमने की मिल जाते देख ले। यहाँ तारा लगा है? तारा लगा तभी तो चंद है। क्या कर कितनी दूर से आए आप? हम जाम नहीं। अच्छा हाँ। अब जरा इस तीसरी तस्वीर पर भी नजर डाल लीजिए। यहाँ गोदाम में पड़ा हुआ खाद सड़ चुका है। ये तस्वीर श्योपुर जिले की है जहाँ बारिश और बाढ़ की वजह से खाद सड़ गया और ये खाद किसानों तक नहीं पहुँच सका। खास बात यह है कि यहीं से भारत सरकार के केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर सांसद हैं। हमको ये परेशानी डीपी की परेशानी, हमको सस्ती होनी डीपी के लिए आई थी, डीपी मिल नहीं रहा, बाजार में भी महंगी रेट में मिल रहा और हमको परेशानी आ रही। या क्या यहाँ डीपी जो बेकार है, वो मशीन में डल नहीं सकता और उड़ नहीं सकता जमीन पर। पुराना डीपी है, बेकार बीजा हुआ, वो बीज रहा। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के अंचल के हालात आपने देख लिए। बात चाहे ग्वालियर की हो, भिंड की हो या श्योपुर की हो, तीनों ही जगह किसानों को खाद के लिए परेशान होना पड़ रहा है। कहीं खाद पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल रही है तो कहीं खाद वितरण केंद्र पर ताला ही लटका हुआ है और कहीं तो खाद खराब ही हो चुकी है। अब जब केंद्रीय कृषि मंत्री के अंचल का ये हाल है तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि देश में बाकी जगहों पर किसानों की क्या हालत होगी।